अगर आपका हथियार कड़ी मेहनत है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। वही हुआ कार्तिक आर्यन के साथ भी। पहली मूवी प्यार का पंचनामा, जिसमें वो एक सांस में इतनी लंबी डायलॉग बोल गए कि सब उनके फैन हो गए। कार्तिक आर्यन की गिनती आज भले ही बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में की जाती हो, पर एक आउटसाइडर होते हुए उन्हें कितनी स्ट्रगल और रिजेक्शन झेलनी पड़ी, अब उन्होंने ये दर्द खुद ही बयां की। कार्तिक ने इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के अपनी जगह बनाई। आज हर हीरोइन और हर फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है, पर कभी ऐसा भी वक्त था जब कार्तिक आर्यन ने बहुत रिजेक्शन झेला था। हालात ऐसी हो जाती थी कि वो रोने लगते थे। करियर की शुरुआत में कार्तिक आर्यन को कुछ तो ऐसे एड्स भी करने पड़े जिनमें करने को कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ हाथ में एक तख्ती पकड़े खड़े रहते थे। ये तो आपको पता है कि कार्तिक आर्यन अब जल्द ही फिल्म चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3 में नजर आने वाले हैं। फिलहाल एक्टर इनकी शूटिंग में बिजी हैं, तो इसी बीच हाल ही में नेहा धूपिया के शो नो फिल्टर नेहा में नजर आए, जिसका प्रोमो रिलीज किया गया है। इसी शो में कार्तिक आर्यन ने अपने लाइफ के रिजेक्शन से लेकर स्ट्रगल के बुरे दौर को याद किया। दरअसल नेहा धूपिया ने अपने इस शो का वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें कार्तिक आर्यन कह रहे हैं, मैंने ऐसे एड्स भी किए हैं जहां मैं सिर्फ एक तख्ती पकड़कर कैमरे के सामने खड़ा होता था। मैं बहुत रोता था जब मुझे इतने सारे ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया जाता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। कार्तिक आर्यन के साथ नेहा धूपिया ने क्वेश्चन आंसर सेशन भी खेला, जिसमें एक्टर ने पूछे गए सवालों के मजेदार जवाब दिए। वैसे आपको बता दें, कार्तिक आर्यन ने कई इंटरव्यू में दावा किया है कि उनके पास कोई पीआर एजेंसी नहीं है। इसी दौरान कार्तिक आर्यन ने अपनी नई फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में भी बात की और कहा कि ये उनके करियर की सबसे मुश्किल फिल्म है। कार्तिक ने बताया कि वो इस फिल्म के लिए एक साल लंबे शुगर डिटॉक्स पर भी रहे हैं, यानी उन्होंने एक साल तक मीठा खाना छोड़ दिया था ताकि वो एक एथलीट जैसी बॉडी बना सके। इस फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं भूल भुलैया 3 में एक बार फिर कार्तिक रूह बाबा बनकर सबको हंसाने वाले हैं। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो कि कार्तिक ने की और वो आज सुपरस्टार है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।